नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आजकल की दुनिया में सच्चे प्यार को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि आज की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सभी लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। क्या पता उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से टाइम पास कर रहे हों। दोस्तों, ये इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे और अपना मन बहलाने के लिए किसी के साथ प्यार का नाटक करते हैं। ऐसे लोग सहूलियत के अनुसार समय आने पर अपने पार्टनर को बदलने में जरा भी झिझकते नहीं। ऐसे में जो इंसान उससे सच्चा प्यार करता है, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है, लेकिन जिस इंसान को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही देना है, उसे आपके सच्चे प्यार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे पांच ऐसी बातों के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों में पाई जाती है जो कि आपसे सच्चा प्यार नहीं करते, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं। तो नंबर एक, दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब भी दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए बहुत खास होते हैं और उनके बीच का हर लम्हा अपने आप में काफ़ी अहम होता है। लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगे कि जब आपका पार्टनर आपसे मिल रहा है तब वो आप पर ध्यान देने की बजाय अपना ज़्यादातर ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में या फिर इधर उधर लगा रहा है, तब आप लोग इस बात को समझ जाइए कि आप सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं और सिर्फ आपके साथ अपना टाइम पास कर रहा है, और जैसे ही कोई अच्छा टाइम आएगा वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। नंबर दो, दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं रहता। अगर आप अपने पार्टनर से कभी कुछ पूछते हैं और वो आपसे लड़खड़ा करके जवाब देता है, तब समझ जाइए कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। और जिन रिश्तों के आधार में झूठ छुपा होता है, ऐसे लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम पास करते हैं। इनके बीच कभी भी कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन सकती। नंबर तीन, दोस्तों जब आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से अपने से रिलेटेड कोई काम उसे बता रहे हैं या फिर उससे मिलने के लिए समय मांग रहे हैं और एक्चुअली में वो आपसे बहाना बना रहा है, जबकि आप इस बात को जानते हैं कि उनके पास टाइम और एबिलिटी दोनों है, साथ ही साथ उनके पास इतना पैसा भी है कि वो आपके आने जाने पर खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपसे ना मिलने के अलग अलग बहाने बना रहे हैं, तब भी आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि आप उनके लिए शायद उतनी अहमियत नहीं रखते। क्योंकि जब इंसान के लिए कोई अहमियत रखता है तब इंसान सामने वाले के लिए समय निकालता है, वो बात अलग है कि शायद उन्हें आपसे ज़्यादा ज़रूरी काम हो, इस सिचुएशन में तो बात अलग हो सकती है। लेकिन जब आप लोग इस चीज़ से कन्फर्म है कि सामने वाले व्यक्ति के पास टाइम भी है और पैसा भी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहाने बना रहा है, तब आप लोग इस बात को अच्छे से समझ जाइए कि आपकी रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। नंबर चार, दोस्तों जब आप लोग अपनी लाइफ में किसी से प्यार करते हैं तब सिर्फ सामने वाला इंसान ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका घर और परिवार भी जुड़ा होता है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ साथ आपके घर और परिवार को भी अहमियत देते हैं, आपसे आपके घर और परिवार के बारे में बातचीत करते हैं, तब समझ लीजिए कि आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर को आपके घर परिवार से कोई भी मतलब नहीं है, वो कभी भी आपसे आपके घर और परिवार के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पार्टनर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। नंबर पाँच, दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आप लोग जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, ऐसा इंसान आपको छोड़ करके आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट लेने की बजाय आपके दोस्तों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपके बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में आपसे ज़्यादा बातचीत कर रहा है, तब आप लोग इस बात को समझ जाइए कि जल्द ही अब आपके रिश्ते का अंत हो जाएगा और सही समय पर आपका पार्टनर आपको छोड़ करके आपके दोस्त के पास चला जाएगा।